खरगोन जिले के बड़वा नगर में लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन सजग दिख रहा है। जहां पॉजिटिव मरीजों की मिलने की पुष्टि हो रही है, उस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बनाकर सील करने की कार्यवाही की जा रही है। खरगोन जिले के बड़वा के समीप ग्राम खोड़ी स्थित शराब फैक्ट्री में कार्यरत 27 कर्मचारियों के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद करीब 5 दिन निजी स्कूल में क्वारंटाइन करने के बाद छुट्टी दी गई थी, जिसके बाद अचानक शनिवार रात्रि में शराब फैक्ट्री में करीब 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आने की पुष्टि हुई है। जिसके बाद SDM मिलिंद ढोके, तहसीलदार राहुल चौहान, BS सेंगर, जनपद CEO बाबूलाल पवार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी रविवार सुबह ग्राम खोड़ी पहुंचे, जहां कंटेनमेंट एरिया पर ड्यूटी कर रही आशा कार्यकर्ताओं और शिक्षकों ने कंटेनमेंट एरिया से अन्य लोगों के बाहर निकलने की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से कही। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी को फटकार लगाकर कंटेनमेंट एरिया से बाहर नहीं निकलने की बात कहकर सभी को सामग्री होम डिलीवरी करवाने की बात कही। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। आज लॉकडाउन के तहत क्या कार्य किया गया? लॉकडाउन में जैसा आप देख रहे हैं, संपूर्ण लॉकडाउन करके रखा है। सिर्फ एक मेडिकल की शॉप खुली हुई, वो भी था अपने हॉस्पिटल के सामने, और बाकी सभी लोगों को घर में रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जो खोड़ी में अभी कल पॉजिटिव पेशेंट आए थे, उसी विषय को लेकर वहाँ का कंटेनमेंट एरिया बनाने और सैनिटाइज कराने के लिए गए थे। सर, अभी बड़वा में कहाँ कहाँ पर कंटेनमेंट नए एरिया बने? कंटेनमेंट अभी जो नए तो 3 बने हैं, जैसे जहाँ अभी बने खड़े किए हैं, और एक कवर कॉलोनी में, एक सराफा बाजार की तरफ। अभी नए पेशेंट में कितने मिले थे? नए पेशेंट में 11 पेशेंट मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।